आज सर चार होल चले हैं, जिसके अंदर की होल ए के अंदर 50 रिसर्च का आयोजन हुआ है, होल बी के अंदर लगभग 50 से 60 रिसर्च हुई है, और होल सी और डी के अंदर, होल डी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेशन हुए हैं, जिसके अंदर रेजिडेंट्स को कुछ लाइव डेमो दिखाए गए हैं, कुछ मशीन्स की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, न्यू टेक्नोलॉजी रोबोट्स और लेज़र को कैसे करने हैं, क्या करने हैं उसके बारे में, कुछ 3D मॉडल्स है उसके ऊपर स्टूडेंट्स को, रेजिडेंट्स को, यंग फैकल्टी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है, जिसके लिए हमारे फैकल्टी है ऑथराइज फैकल्टी डॉक्टर अरुण चावला USI के, वो आते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में जो भी हर फील्ड के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन्होंने ट्रेनिंग दी है। और इसके अलावा अलग अलग यूरोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के सेशन हुए, जैसे कि रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी का सेशन हुआ है, जिसमें कि यूरोलॉजी में रिकन्स्ट्रक्टिव रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कशन हुई है, एंडो यूरोलॉजी का अलग सेशन हुआ है, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी का अलग सेशन हुआ है, और रोबोटिक यूरोलॉजी और यूरो ऑन्कोलॉजी के अलग अलग सेशंस हुए हैं, जिसमें पर्टिकुलर उस यूरोलॉजी से रिलेटेड उस क्षेत्र के, उस एरिया के बारे में बहुत ही गहन डिस्कशन हुआ है, और उसके बारे में चर्चा की गई है, उनकी जो नई रिसर्च के बारे में डॉक्टर्स को और सबको बताया गया है। सर, मेरा नाम डॉक्टर JP स्वामी है, मैं यहाँ पे SP मेडिकल बीकानेर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरोलॉजी में, और इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन करने में जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसके अंदर डॉक्टर मुकेश आर्य ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, मैं डॉक्टर JP स्वामी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर योगेंद्र है जो कि ट्रेजरार है, और डॉक्टर रामनरेश डागा है जो कि को ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, और डॉक्टर अजय गांधी है वो को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है।